हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी सेक्शन के सबसे टफ पार्ट, सबसे डिफिकल्ट पार्ट को पढ़ेंगे और सीखेंगे, जिसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का नाम सुनते ही इंग्लिश लर्नर्स के पसीने छूट जाते हैं। ये इतना भयानक टॉपिक, इतना भयानक चैप्टर्स, इसके भयानक होने की वजह है इसका कंफ्यूजिंग नेचर्स। आदमी जितना सीखता है उतना कंफ्यूज भी होते जाता है। तो मैं ब्रजेश कुमार ज्ञान वृक्ष के इस ई लर्निंग ऐप पर आपको फ्रेजल वर्ब इस तरीके से सिखाऊंगा कि ये आपको डराएगा नहीं, ये आपको मजा दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेजल वर्ब सुनना समझना सीखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ध्यान देंगे एवरीवन, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। फ्रेजल वर्ब एक शॉर्ट वर्ब है। जैसे कि फ्रेजल वर्ब के नाम में वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब भी एक तरह का वर्ब ही है, एक तरह का शॉर्ट वर्ब है। शॉर्ट वर्ब मतलब वो वर्ड जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेटर्स होते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 अक्षर ही होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब एक शॉर्ट वर्ब है जिसके साथ एक प्रेपोजिशन, या एडवर्ब जुड़ा होता है। तो फ्रेजल वर्ब कोई एक अकेला वर्ड नहीं होता है, फ्रेजल वर्ब शब्दों का एक समूह होता है एवरीवन, और उसमें एक शॉर्ट वर्ब होता है, शॉर्ट वर्ब के साथ कोई एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है। अब आगे बताया जा रहा है कि इस ग्रुप का जो मीनिंग होता है, एवरीवन, वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, भिन्न होता है फ्रॉम इट्स वर्ब मीनिंग। एक बार फिर से सुनेंगे और समझेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब एक शॉर्ट वर्ब है जो किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ जुड़ा होता है और जिसका मीनिंग उसके वर्ब वाले मीनिंग से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, एग्जाम्पल से फ्रेजल वर्ब की पूरी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान देंगे, ये मैंने शॉर्ट वर्ब के रूप में लिया गिव। गिव एक शॉर्ट वर्ब है, 4 अक्षर से ही बना हुआ है। इसमें मैंने प्रेपोजिशन जोड़ दिया अप, तो गिव और अप दोनों मिलके हो जाएंगे गिव अप। ठीक है, तो गिव हो गया शॉर्ट वर्ब, अप हो गया प्रेपोजिशन, दोनों जुड़ गए, तो जो कॉम्बिनेशन बना, जो ग्रुप बना, वो फ्रेजल वर्ब है गिव अप। अब देखिए गिव अप का जो मीनिंग है, गिव अप का जो मतलब है, अर्थ है, वो गिव और अप के मीनिंग से अलग है। गिव मतलब क्या होता है? देना, प्रदान करना। अप मतलब होता है ऊपर, तो गिव अप का मतलब ऊपर देना नहीं होता है एवरीवन। गिव अप का मतलब हो जाता है त्याग देना, छोड़ देना, बंद कर देना। तो आपने देखा गिव अप का जो मीनिंग है वो गिव और अप के मीनिंग से अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे ग्रुप को, है ना, ऐसे शब्दों के ग्रुप को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब को आप एवरीवन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब चाय के जैसा होता है, टी के जैसा होता है। आप सबको मालूम है, आप सबने चाय पी रखी है। कुछ लोगों के तो फेवरेट फूड आइटम में से चाय होगा, तो आप सबको मालूम होगा कि चाय कैसे बनता है। चाय में आप मेन इंग्रेडिएंट्स के रूप में पानी मिलाते हैं और दूध मिलाते हैं। तो एवरीवन, जो चाय होता है उसका टेस्ट ना तो पानी के जैसा होता है और ना ही दूध के जैसा होता है। चाय का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो वैसे ही होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो शॉर्ट वर्ब के मीनिंग से और प्रपोजिशन या एडवर्ब के मीनिंग से डिफरेंट हो जाता है। पूरे ग्रुप का मीनिंग उसके इंडिविजुअल वर्ड्स के, उसके इंडिविजुअल पार्ट के मीनिंग से डिफरेंट हो जाता है। तो इसी शब्दों के ग्रुप को फ्रेजल वर्ब बोला जाता है, और हमारे आज के लेसन का टॉपिक यही है, फ्रेजल वर्ब गिव अप। चलिए इसके आगे की भी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा एवरीवन, आप सबको मालूम होना चाहिए कि वर्ब दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक, इंट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं अकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया।
स मतलब साथ में। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कर्म के साथ आते हैं। कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और वो वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के आता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो जैसे वर्ब एवरी वन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होते हैं, वैसे ही फ्रेजल वर्ब भी दो टाइप का होता है। वैसे ही फ्रेजल वर्ब भी दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। लेकिन वर्ब के साथ क्या कहानी है एवरीवन, कि जितने ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, लगभग उतने ही इंट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। जितने ट्रांजिटिव वर्ब है, जितनी सकर्मक क्रियाएं हैं अंग्रेजी में, उतनी ही लगभग अकर्मक क्रियाएं भी है। लेकिन फ्रेजल वर्ब के साथ ऐसा नहीं। फ्रेजल वर्ब्स के साथ क्या है एवरीवन, ध्यान दीजिएगा, फ्रेजल वर्ब के साथ क्या कहानी है कि मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स आर ट्रांजिटिव। फ्रेजल वर्ब के साथ क्या कहानी एवरीवन कि अधिकतर फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं। मतलब अधिकतर फ्रेजल वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट जिसको कि हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पर एक्शन का असर होता है, प्रभाव पड़ता है। तो अधिकतर फ्रेजल वर्ब एवरीवन ट्रांजिटिव ही होता है। अब जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है गिव अप का। अब गिव अप को मैं एक सेंटेंस में यूज करता हूं तो आप देखेंगे कि गिव अप ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, क्योंकि गिव अप एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। देखिए एवरीवन एग्जांपल, गिव अप स्मोकिंग। गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग करना छोड़ दो, स्मोकिंग करना बंद कर दो। तो ये जो गिव अप है ये फ्रेजल वर्ब है, और ये जो स्मोकिंग है ये उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जिसको कि हिंदी में हम लोग कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पर एक्शन का असर पड़ता है, जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। सो गिव अप स्मोकिंग। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो फ्रेजल वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आएगा उसको ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। तो गिव अप एवरी वन ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल है। अभी आपको वहां बताया गया था कि अधिकतर फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, यानी अधिकतर फ्रेजल वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर ही आएंगे। हाँ, अब सवाल उठेगा कि कितने फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं। तो कुछ ही होते हैं, कुछ ही फ्रेजल वर्ब होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं। मतलब कुछ ही फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि अधिकतर फ्रेजल वर्ब तो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं। चलिए आगे की बात को देखते हैं एवरीवन। आगे बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है एवरीवन कि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब भी दो टाइप के होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब भी दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं सेपरेबल और दूसरे को बोलते हैं इनसेपरेबल। सेपरेबल और इनसेपरेबल। सेपरेबल का मतलब हो गया सेपरेट करने लायक, सेपरेट करने योग्य, और इनसेपरेबल का मतलब उसका उल्टा हो गया, जो सेपरेट करने लायक नहीं है, जो सेपरेट नहीं होगा। अब इस सेपरेट करना और सेपरेट नहीं करने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। सेपरेट करने और सेपरेट करने न करने का मतलब क्या है, इस एग्जांपल पर वापस आए आप। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है गिव अप स्मोकिंग। तो आप सबने देखा कि फ्रेजल वर्ब में मोस्टली दो कॉम्पोनेंट होता है, एक होता है शॉर्ट वर्ब, एक होता है शॉर्ट वर्ब और दूसरी चीज होती है प्रेपोजिशन। एक होता है शॉर्ट वर्ब और दूसरी चीज होती है प्रेपोजिशन। अगर आप ऑब्जेक्ट को दोनों के बीच लिख देते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को दोनों के बीच लिख देते हैं तो कहा जाता है कि फ्रेजल वर्ब सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये जो गिव अप स्मोकिंग लिखा हुआ है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं गिव स्मोकिंग अप। ठीक है,
तो आप गिव अप स्मोकिंग बोलिए या गिव स्मोकिंग अप बोलिए, कोई अंतर नहीं आने वाला है मीनिंग में, बस सिर्फ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है। और जब उसका पोजीशन चेंज होता है तो वो फ्रेजल वर्ब को सेपरेट करता है। तो सेपरेबल कहने का मतलब यही हुआ कि शॉर्ट वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो ये जो गिव अप है वो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब भी है, मतलब उसको सेपरेट किया जा सकता है। अब आगे जानने की बात क्या है एवरीवन, आगे जानने की बात ये है कि मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेबल, अधिकतर फ्रेजल वर्ब सेपरेबल होते हैं, अधिकतर फ्रेजल वर्ब सेपरेट हो जाएंगे। यानी अधिकतर फ्रेजल वर्ब ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जहां पर शॉर्ट वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। यहां भी समझने की चीज ये है कि कुछ ही फ्रेजल वर्ब होते हैं जो इनसेपरेबल होते हैं, कुछ ही फ्रेजल वर्ब होते हैं जो इनसेपरेबल होते हैं। इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब का भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले सेपरेबल फ्रेजल वर्ब से जुड़ी एक आध दो बात और है जो देख लेते हैं। चलिए एवरीवन वापस आइए फिर से उस एग्जाम्पल पर। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप फ्रेजल वर्ब है, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, गिव शॉर्ट वर्ब है और अप है प्रेपोजिशन। अब जैसे स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो पहली बात जो ध्यान देने लायक ये है वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो आप फ्रेजल वर्ब को सेपरेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो आप फ्रेजल वर्ब को सेपरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप गिव अप स्मोकिंग बोल सकते हैं, गिव स्मोकिंग अप भी बोल सकते हैं। लेकिन एवरीवन अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो आपको फ्रेजल वर्ब को सेपरेट करना ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम स्मोकिंग के बदले इट को यूज करें, अगर हम स्मोकिंग के बदले इट को यूज करें तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, बोल सकते हैं गिव अप इट। ये देखिए स्मोकिंग के बदले में इट लेकर आया हूं, अब ये गिव अप इट लिखना बोलना इस तरह से गलत माना जाएगा। आप क्या लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, गिव इट अप ही लिखेंगे बोलेंगे, मतलब आपको फ्रेजल वर्ब को सेपरेट करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए फास्ट फॉरवर्ड अंदाज में कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो फ्रेजल वर्ब को हम सेपरेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ तो फ्रेजल वर्ब को हमें सेपरेट करना ही होगा, मतलब शॉर्ट वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में प्रोनाउन को लाना ही होगा, है ना। आप इस तरह से बाद में उसको लिख बोल नहीं सकते, उसको गलत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ये एक बात थी रिलेटेड किससे, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब से। अब हम लोग इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब के बारे में भी कुछ सुनते हैं। इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब यानी वो फ्रेजल वर्ब जो सेपरेट नहीं होगा, वो फ्रेजल वर्ब जहां पर शॉर्ट वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। जब एक बार उस पर ठप्पा लग गया, मुहर लग गया कि वो इनसेपरेबल है, तब तो भाई ऑब्जेक्ट जो भी हो, नाउन हो प्रोनाउन हो, है ना, वो दोनों के बीच में जाने वाला नहीं है। मैं आपको एक इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल है कम अक्रॉस, ठीक है, कम अक्रॉस एवरीवन एक फ्रेजल वर्ब है और ये इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत साफ है कि कम और अक्रॉस के बीच में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे तो कुछ भी आता नहीं है, ऑब्जेक्ट आता है, और अगर वो इनसेपरेबल है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आने वाला है, कोई नाउन नहीं आने वाला है, कोई प्रोनाउन भी नहीं आने वाला है। अगर आ गया तो फिर वो गलत माना जाएगा, वो इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। इससे पहले कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें कम अक्रॉस पे, उसका मीनिंग जान लेते हैं। कम मतलब क्या होता है, आना। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक आना, नहीं, ये तो उसका लिटरल मीनिंग हुआ। आपने अभी सुना कि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हम लिटरल नहीं लेंगे, फिगरेटिव लेंगे, शाब्दिक नहीं लेंगे, आलंकारिक लेंगे, लाक्षणिक लेंगे, है ना।
जो उसका मीनिंग है वो उसके वर्ब और उसके प्रेपोजिशन दोनों के मीनिंग से डिफरेंट है। तो आइए समझिए कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग और मीट समबडी बाय चांस। ये है फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस का मतलब। बाय चांस यानी एकाएक, अचानक, अचानक किसी व्यक्ति से मिलना या अचानक कोई चीज पाना, ये मतलब होता है कम अक्रॉस का। कम अक्रॉस इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, मतलब कम और अक्रॉस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब आप देखो कम अक्रॉस को यूज करते हुए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। वी केम अक्रॉस मोहित, वी came across him, we came him across, we came Mohit across। ये देखिए कम अक्रॉस को यूज करता हुआ मैंने चार सेंटेंसेस बनाए, चार एग्जांपल बनाए। क्या लगता है आपको कौन सही है कौन गलत है? जाहिर सी बात है ना, जब जब कम और अक्रॉस के बीच में कुछ भी आया होगा है ना, वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया होगा। तो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कम और अक्रॉस के बीच में ऑब्जेक्ट ला दिया गया है जबरदस्ती। रूल कहता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी द फर्स्ट एंड द सेकंड सेंटेंस, द फर्स्ट एंड द सेकंड सेंटेंसेस आर करेक्ट, द थर्ड एंड द फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। ठीक है एवरीवन, तो ये था इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। चलिए एवरीवन, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब। एक बार फिर से देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। आप लोग अच्छे समझ चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब हम किसी शॉर्ट वर्ब को बोलते हैं जो कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है किससे? किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब से, किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब से। चलिए समझने की चीज ये है कि फ्रेजल वर्ब में शॉर्ट वर्ब हमेशा एक ही होगा। फ्रेजल वर्ब में शॉर्ट वर्ब हमेशा एक ही होगा। एवरीवन यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बताया जा रहा है कि शॉर्ट वर्ब के साथ कभी प्रेपोजिशन आता है कभी एडवर्ब आता है, कभी प्रेपोजिशन आता है कभी एडवर्ब आता है। ऐसे तो अधिकतर फ्रेजल वर्ब में एवरीवन प्रेपोजिशन ही आता है, अधिकतर फ्रेजल वर्ब में प्रेपोजिशन ही आता है। कुछ कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब है जिसमें एडवर्ब आता है। अब आगे की बात क्या है, अगली बात क्या है कि most phrasal verbs have one preposition, most phrasal verb have one preposition। अधिकतर phrasal verb ऐसे हैं जिसमें एक ही preposition होता है, मतलब कुछ phrasal verb ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक यानी दो preposition होता है। उसका मैं आपको example देता हूँ, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। उसका एक एग्जाम्पल है डू अवे विथ। ये एक फ्रेजल वर्ब है और आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि डू शॉर्ट वर्ब है, अवे पहला प्रेपोजिशन है और विथ दूसरा प्रेपोजिशन है। डू अवे विथ का एवरीवन मीनिंग होता है अबॉलिश। डू अवे विथ का एवरीवन मतलब होता है अबॉलिश यानी खत्म कर देना। ठीक है, अब इसको मैं एक सेंटेंस में यूज कर देता हूं। वी मस्ट डू अवे विथ द डाउरी सिस्टम, वी मस्ट डू अवे विथ द डाउरी सिस्टम। ठीक है, वी मस्ट डू अवे विथ मीन्स वी मस्ट अबॉलिश, हम लोगों को डू अवे विथ कर देना चाहिए यानी अबॉलिश कर देना चाहिए डाउरी सिस्टम को, दहेज प्रथा को। सो आपने देखा एवरीवन कि अधिकतर फ्रेजल वर्ब में एक प्रेपोजिशन होता है, लेकिन कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक प्रेपोजिशन होता है। उसका एक एग्जांपल था डू अवे विथ।
ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब में ज्यादा से ज्यादा दो ही प्रेपोजिशन हो सकते हैं, दो से अधिक प्रेपोजिशन किसी फ्रेजल वर्ब में नहीं होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसे कितने फ्रेजल वर्ब हैं जिसमें दो से अधिक प्रेपोजिशन होते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? आपको बोलना है एक भी नहीं, है ना, नॉट इवन वन। तो दो से अधिक प्रेपोजिशन किसी फ्रेजल वर्ब में नहीं होते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए, हाँ, तो अधिकतर फ्रेजल वर्ब में शॉर्ट वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होता है। अब आगे की बात क्या है, अगली बात क्या है कि कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे भी हैं जहां पर शॉर्ट वर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ा होता है। कुछ फ्रेजल वर्ब एवरीवन ऐसे भी हैं जहां पर शॉर्ट वर्ब के साथ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण भी जुड़ा होता है। आइए उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब का इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें हैं, रूल्स हैं, वो हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। एक बार इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग पढ़ेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं उस फ्रेजल वर्ब का जिसमें शॉर्ट वर्ब के साथ एक एडवर्ब होगा। ध्यान देंगे एवरीवन, ये देखिए, ये एग्जाम्पल है उस फ्रेजल वर्ब का जिसमें एक शॉर्ट वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है। डाई आप सबको पता है शॉर्ट वर्ब है, डाई शॉर्ट वर्ब है, और हार्ड एडवर्ब है, ठीक है। हार्ड एडवर्ब है, हार्ड तो एडजेक्टिव भी होता है लेकिन हार्ड अभी एडवर्ब है। हार्ड जिसका मतलब होता है विथ फुल एनर्जी, पूरी ताकत ऊर्जा के साथ, मेहनत से, परिश्रम से। तो डाई का मतलब क्या हो गया? मरना। और हार्ड का मतलब क्या हो गया? परिश्रम से। तो डाई हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? परिश्रम से मरना, यही होगा? नहीं, ये तो उसका लिटरल मीनिंग है, तो शाब्दिक अर्थ है। आप सुन चुके हैं, आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि भाई पानी मिलाया हमने, दूध भी मिलाया हमने, चीनी भी मिलाया हमने, चाय पत्ती भी मिलाई है, तो अब क्या स्वाद पानी का आएगा, दूध का आएगा, चाय का अलग स्वाद आएगा? तो जो मीनिंग होगा, जो मतलब होगा, जो अर्थ होगा, वो उन दोनों से डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखिए डाई हर्ड का मतलब क्या होता है? डाई हर्ड का मतलब होता है टू डिस अपियर ग्रेजुअली, टू डिस अपियर ग्रेजुअली, टू डिस अपियर और वैनिश ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे खत्म होना, धीरे धीरे समाप्त होना, धीरे धीरे नष्ट होना, ये मतलब होता है डाई हार्ड का, ठीक है। और डाई हार्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह से, ध्यान देंगे सब लोग। ओल्ड हैबिट्स डाई ब्लैंक, है ना, चार ऑप्शन होंगे, हार्डली, हार्डर, हार्ड और हार्डेस्ट। तो क्या लगता है आप सबको एवरीवन, इस ब्लैंक में क्या होना चाहिए? ओल्ड हैबिट्स डाई डैश, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदतें जाते जाते जाती हैं, पुरानी आदतें धीरे धीरे जाती हैं, एकाएक नहीं चली जाती हैं, ऑल ऑफ अ सडन नहीं चली जाती हैं। दे डाई हार्ड मीन्स दे डिसअपियर और दे गो अवे और दे वैनिस ग्रेजुअली। ओके एवरीवन, सो आपने देखा कि शॉर्ट वर्ब के साथ एडवर्ब भी जुड़ता है, उसका एक एग्जाम्पल था डाई हार्ड। ओके एवरीवन, लास्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का, मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स हैव मोर देन वन मीनिंग, ये लास्ट पॉइंट है, ये अंतिम बात है इंट्रोडक्शन की। इसके बाद फिर हम लोग फ्रेजल वर्ब एक एक करके पढ़ना चालू कर देंगे। अंतिम बात क्या है एवरीवन? मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स हैव मोर देन वन मीनिंग, अधिकतर फ्रेजल वर्ब के एक से अधिक मीनिंग होते हैं। अब ये एक एस्पेक्ट है, ये एक फीचर है फ्रेजल वर्ब का जो इसकी लर्निंग को डिफिकल्ट बनाता है, पेचीदा बनाता है, माइंड बॉगलिंग बनाता है, ठीक है। शब्दों के अर्थ आप सबको मालूम है कि शब्दों के अर्थ तो एक से अधिक होते ही है, यहाँ पर शब्दों के समूह के भी मीनिंग अर्थ एक से अधिक होने लग गए। आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक वर्ड है इंग्लिश का SET, सेट, एक वर्ड है इंग्लिश का SET, सेट,
सबसे ज्यादा मीनिंग इसी वर्ड के हैं। इस वर्ड के 464 मीनिंग्स होते हैं। बताइए, एक शब्द के एक से अधिक मीनिंग होते हैं, और एक शब्द तो ऐसा है जिसके इतने सारे मीनिंग हैं। तो जब शब्द के मीनिंग इतने सारे होते हैं तो शब्द समूह भी कहाँ पीछे रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट में कि फ्रेजल वर्ब के एक से अधिक मीनिंग होते हैं। अधिकतर किताबों में एवरीवन फ्रेजल वर्ब का एक ही मीनिंग दिया रहता है, लेकिन जब मैं आपको फ्रेजल वर्ब बताऊंगा तो मैं आपको सारे मीनिंग्स बताऊंगा। अब देखिए, एक फ्रेजल वर्ब होता है गिव अवे। एक फ्रेजल वर्ब होता है एवरीवन गिव अवे। इस फ्रेजल वर्ब के 5 मीनिंग है। एक एक करके मैं सारे मीनिंग्स आपको बताता हूं। चलिए ध्यान देना। इसका पहला मतलब होता है कन्यादान करना। कन्यादान करना, कन्यादान करना समझते हैं ना, शादी होता है, विवाह होता है, तो उसमें जो दुल्हन के साइड के गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, पिताजी होते हैं, वो अपनी बेटी का हाथ उसके होने वाले पति के हाथ में दे देते हैं, तो इसी को बोलते हैं कन्यादान करना, और ये मीनिंग होता है गिव अवे का। दूसरा मीनिंग एवरीवन, कोई गलती करके किसी खेल आदि में अपने दुश्मनों या प्रतिद्वंदी को लाभ पहुंचाना। ये एवरीवन सेकंड मीनिंग है गिव अवे का, है ना। कोई खेल खेल रहे हैं आप, कोई कॉन्टेस्ट है, कोई मैच है ना, और आपसे गलती हो जाती है छोटी या बड़ी, तो इसका खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ता है, और उसका फ़ायदा आपके अपोजिट टीम को, आपके प्रतिद्वंदी को, आपके कॉम्पिटिटर को मिलता है। तो ये भी एक मीनिंग है गिव अवे का। गिव अवे का एवरीवन ये देखिए तीसरा मतलब, अपने बच्चे को किसी और को गोद दे देना। ये एवरीवन तीसरा मीनिंग है गिव अवे का। गोद लेना तो सुना होगा आपने, है ना, कोई माता पिता जिनके संतान नहीं होते, बच्चे नहीं होते हैं, तो वो किसी ऑर्फेनेज से या किसी और जगह से कोई बच्चा ले लेते हैं, उनको पालते पोसते हैं, तो वो होता है गोद लेना। और ये है गोद देना, ये भी पेरेंट्स करते हैं। अगर वो सक्षम नहीं होते हैं, वो एबल नहीं होते हैं उस बच्चे को पालने पोसने में, उसके परवरिश करने में, तो वो अपने बच्चे को किसी और को गोद दे देते हैं। तो ये भी एक मतलब होता है गिव अवे का। चौथा मीनिंग, गलती से कोई रहस्य बता देना। ये है एवरीवन चौथा मीनिंग, गलती से कोई रहस्य बता देना। तो आप देख रहे हैं गिव अप एक एवरीवन चौथा मीनिंग। ओके, और गिव अवे का पांचवा मीनिंग होता है मुफ्त में कोई चीज बांटना। तो देखा आपने, मैंने आपको गिव अवे फ्रेजल वर्ब के 5 मीनिंग बता दिए। तो अधिकतर फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग एक से अधिक होते हैं। तो इस तरह से एवरीवन इंट्रोडक्शन, परिचय फ्रेजल वर्ब का खत्म होता है। अब हम लोग फ्रेजल वर्ब को 1 by 1 पढ़ना चालू करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स एवरीवन, फ्रेजल वर्ब हम लोग फ्रीक्वेंसी वाइज पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी वाइज कहने का मतलब ये है कि वो फ्रेजल वर्ब जो जितना फ्रिक्वेंट है, जो जितना
कॉमनली फ्रिक्वेंटली हमारे लैंग्वेज में यूज होता है उनको हम लोग उतना पहले पढ़ेंगे, यानी जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग उतना पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें फ़ायदा हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला फ्रीक्वेंसी वाइज हम लोग जरूर पढ़ेंगे लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर होता है ए, ठीक है, और ए से एक वर्ब बनता है एड, एड एक शॉर्ट वर्ब है, इसमें जब प्रेपोजिशन जुड़ जाता है अप तो फ्रेजल वर्ब हो जाता है एड अप, तो एड अप हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है। एवरीवन लेटर ए से काफी कम फ्रेजल वर्ब है लेकिन जितने भी हैं उन सब में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है ये एड अप, है ना। अब इस एड अप के सारे मीनिंग्स को, है ना, और उस पे बेस्ड एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। चलिए एवरीवन, एड अप का पहला मतलब क्या होता है? एड अप का पहला मतलब होता है टू बी एडेड टुगेदर। एड अप का एवरीवन पहला मीनिंग पहला मतलब पहला अर्थ होता है टू बी एडेड टुगेदर, यानी एक साथ जोड़ा जाना ताकि कुल संख्या प्राप्त की जा सके। चलिए उस पे बेस्ड एग्जाम्पल देखिए, वी एडेड अप द एप्पल्स एंड फाउंड देम टू बी 40। हम लोगों ने एप्पल्स को एड अप किया, मतलब हम लोगों ने सारे सेबों को इकट्ठा किया और जोड़ा और पाया कि वो 40 है, उनकी संख्या 40 है। तो एड अप का पहला मीनिंग एवरीवन टू बी एडेड टुगेदर, यानी एक साथ जोड़ा जाए। चलिए एड अप का दूसरा मीनिंग देख लेते हैं। एड अप का एवरीवन दूसरा मीनिंग होता है टू सीम टू बी ट्रू। एड अप का एवरीवन दूसरा मीनिंग होता है टू सीम टू बी ट्रू, यानी सही लगना, सही प्रतीत होना, लॉजिकल लगना, तर्क सम्मत तार्किक लगना, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए एवरीवन, आई डोंट फील लाइक बिलीविंग यू, योर व्यूज या योर टॉक्स डोंट एड अप, ठीक है। एड अप का ये दूसरा मीनिंग एवरीवन टू सीम टू बी ट्रू। अब दूसरे मीनिंग के लिए एक और एग्जांपल लिया मैंने आपको, आई डोंट फील लाइक बिलीविंग यू, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है तुम पर विश्वास करने का, तो टॉक्स डोंट एड अप, क्योंकि जो तुम्हारी बातें हैं वो मुझे सही लग नहीं रही है। तो एड अप का दूसरा मतलब होता है टू सीम टू बी ट्रू। तो एड अप एवरीवन ए से बना फ्रेजल वर्ब है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेटर ए से आगे बढ़ते हैं लेटर बी के तरफ। एवरीवन बी से एक वर्ब होता है ब्रिंग, और उसमें हम अगर अप जोड़ देते हैं तो फ्रेजल वर्ब हो जाता है ब्रिंग अप, ठीक है एवरीवन। और ब्रिंग अप वो फ्रेजल वर्ब है जो बी से बना है और सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ब्रिंग अप का पहला मीनिंग आप सबको मालूम होगा कि ब्रिंग अप का पहला मीनिंग होता है टू नरिश, यानी पालन पोषण करना, परवरिश करना। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में लिखे तो इस तरह से लिखेंगे, टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल इट इज ग्रोइंग अप, किसी बच्चे का ध्यान रखना, है ना, जब वो ग्रो अप हो रहा है, जब वो ग्रो अप हो रहा है मतलब जब बच्चे से एडल्ट बन रहा है, यही होता है लालन पालन करना, पालन पोषण करना, परवरिश करना, ब्रिंग अप एवरीवन। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखना बहुत जरूरी होता है वोकैबुलरी सेक्शन में, क्योंकि जब तक आप उस वर्ड को, उस वर्ड ग्रुप को सेंटेंस में यूज होता नहीं देखेंगे आपको उस वर्ड के यूसेज पूरा समझ में आएगा नहीं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल एवरीवन ध्यान दीजिएगा, ही वॉज बॉर्न इन
द यूएसए एंड ब्रॉट अप इन जापान. ध्यान देने सब लोग एग्जाम्पल पर. ही वॉज बॉर्न इन द यूएसए एंड ब्रॉट अप इन जापान. वो जन्मा यूएसए में लेकिन उसका लालन पालन जापान में हुआ. सो एवरीवन देख सकते हैं आप ब्रिंग अप को यहाँ पे यूज किया गया है और उसका मतलब यहाँ पे है पालन पोषण करना. अब आइए देखते हैं ब्रिंग अप का सेकंड मीनिंग. ब्रिंग अप का सेकंड मीनिंग क्या होता है एवरीवन? टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग या to mention something in conversation. तो bring up का everyone एक ही meaning नहीं होता है, दूसरा meaning भी होता है. दूसरा meaning भी आपके सामने आ गया है. दूसरा meaning क्या है? To start talking about something, यानी किसी topic पर बातचीत चालू करना या बातचीत के दौरान किसी चीज को mention करना, उसका जिक्र करना, उसका उल्लेख करना. आइए सेकंड मीनिंग के लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं एवरीवन. सेकंड मीनिंग के लिए एग्जांपल है डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स. आई हेट इट. ठीक है एवरीवन, क्या मतलब हुआ कि पॉलिटिक्स की बातें चालू मत करो, पॉलिटिक्स टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन चालू मत करो, मुझे इससे नफरत है, घृणा है. सो एवरीवन ब्रिंग अप के दो मीनिंग. ओके एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 3. चलिए बी से ही बना एक वर्ब ब्लो और उसमें हमने ऐड किया प्रीपोजिशन अप, तो फ्रेजल वर्ब हो गया ब्लो अप. आइए ब्लो अप के सारे मीनिंग को देखते हैं और समझते हैं. सो एवरीवन ब्लो अप का पहला मतलब होता है To become very angry, बहुत क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्से में हो जाना. वो कहते हैं ना हिंदी में लाल पीला हो जाना, आग बबूला हो जाना, तो ये मीनिंग, ये मतलब, ये अर्थ होता है ब्लो अप का. आइए इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं. देखिए एवरीवन, शी ब्लू अप when I rejected her offer of marriage. तो जब मैंने उसके मैरिज के ऑफर को रिजेक्ट किया तो she became very angry. She blew up. वो बहुत क्रोधित हो गई, वो लाल पीली हो गई. So everyone blow up to become very angry. आइए ब्लू अप का सेकेंड मीनिंग देखते हैं. ध्यान दीजिएगा एवरीवन, टू फिल एयर इनटू समथिंग सच एज टायर ट्यूब एटसेट्रा. ये एवरीवन ध्यान दीजिएगा ब्लू अप का सेकंड मीनिंग. टू फिल एयर यानी कोई हवा है ना, कोई हवा या कोई गैस भरना है ना, टायर ट्यूब जैसी चीज में ब्लू अप. एग्जांपल देखिए एवरीवन, कुड यू प्लीज ब्लो दीज balloons up for me. ध्यान देंगे एवरीवन, मैंने इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में ब्लो अप को यूज किया है और ब्लो अप का यहां पे सेकेंड मीनिंग आ रहा है. सो कुड यू प्लीज ब्लो दीज बलून्स अप फॉर मी, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्या मतलब हुआ इसका? एक आप मेरे लिए कृपया इन गुब्बारों में हवा भर देंगे क्या? सो सेकेंड मीनिंग. अब आ रहा है एवरीवन ब्लू अप का थर्ड मीनिंग, टू एक्सप्लोड और टू कॉज टू एक्सप्लोड. टू एक्सप्लोड और टू कॉज टू एक्सप्लोड,
ये है एवरीवन, ब्लू अप का थर्ड मीनिंग, टू एक्सप्लोड यानी विस्फोट हो जाना, विस्फोट हो जाना, विस्फोट हो जाना या विस्फोट कर देना, ये ब्लू अप का थर्ड मीनिंग होता है। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं एवरीवन, द नेक्सलाइट्स ब्लू अप द ब्रिज लास्ट नाइट। तो नक्सलियों ने पिछली रात को ब्रिज को, पुल को, सेतु को ब्लू अप कर दिया, मतलब एक्सप्लोड कर दिया, है ना, उसको बॉम्ब जैसे किसी चीज से उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। सो ये एवरीवन था फ्रेजल वर्ब नंबर 3, ब्लू अप। आइए अब चलते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ, फ्रेजल वर्ब नंबर 4। बी से आगे बढ़ते हैं सी के तरफ। एवरीवन, सी से बना एक वर्ब कैरी, इसमें हमने प्रेपोजिशन जोड़ दिया ऑन, तो फ्रेजल वर्ब हो गया कैरी ऑन। कैरी ऑन बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है, आप में से बहुत लोग इसका मीनिंग जानते भी होंगे। सो कैरी ऑन का पहला मीनिंग होता है एवरीवन टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, यानी जारी रखना, करते रहना, कोई भी काम, कोई भी क्रिया, कोई भी प्रक्रिया जो आप पहले से कर रहे हैं उसको बंद ना करना, उसको जारी रखना, कैरी ऑन। एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज कैरी ऑन योर वर्क। तो डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहता हूं मैं, आप अपना कार्य जारी रखें, रुके ना, बंद ना करें। सो ये एवरीवन पहला मीनिंग था कैरी ऑन का। ओके एवरीवन, कैरी ऑन का सेकंड मीनिंग, टू स्पीक और बिहेव फुलिशली, मतलब मूर्खता पूर्वक व्यवहार करना, बोलना या एक्ट करना। उसके लिए एग्जांपल लिखते हैं एवरीवन, द चिल्ड्रन ऑफ जेपी सर कैरीड ऑन इन द पार्टी लास्ट नाइट। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का एवरीवन, कि जेपी सर के बच्चों ने पिछले रात पार्टी में फुलिशली बिहेव किया, है ना, सारे लोगों को तंग कर रहे थे, सबका जीना हराम करके रखा था उन लोगों ने। चलिए अब है बाड़ी अगले फ्रेजल वर्ब की, फ्रेजल वर्ब नंबर 5, सी से बना कॉल, उसमें जुड़ा प्रेपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ, और फ्रेजल वर्ब हो गया कॉल ऑफ। कॉल ऑफ भी बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है, इसका पहला मीनिंग मुझे यकीन है कि आप सबको मालूम होगा, इसका पहला मीनिंग होता है टू कैंसिल, यानी रद्द कर देना, ये डिसीजन ले लेना कि कोई एक्टिविटी जो हम लोग करने वाले थे या कर रहे हैं उसको हम लोग आगे करेंगे नहीं। एग्जाम्पल देखें एवरीवन, एग्जाम्पल है गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा कांड के चलते गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को कॉल ऑफ कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है एवरीवन, अब आइए देखते हैं कॉल ऑफ का सेकंड मीनिंग, टू स्टॉप अ पर्सन और एनिमल फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये एवरीवन सेकंड मीनिंग आ चुका है कॉल ऑफ का। कॉल ऑफ का सेकंड मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना,
ठीक है, किसको, किसी व्यक्ति को या किसी पशु या जानवर को कुछ करने से, है ना, उसको खेलने कूदने से, उसको भोंकने से, उसको पीछा करने से रोकना है। एग्जाम्पल आएगा एवरीवन, कॉल ऑफ का सेकेंड मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, यू प्लीज कॉल ऑफ योर डॉग एल्स इट विल किल माई कैट। क्या मतलब हो गया इस सेंटेंस का, कि आप कृपया अपने डॉग को, अपने कुत्ते को रोक लें, है ना, वरना ये मेरी बिल्ली की जान ले लेगा। सो ये एवरीवन कॉल ऑफ का सेकेंड मीनिंग था। तो ये था एवरीवन पांचवा फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ। आज की क्लास में एवरीवन इतना ही, थैंक यू।